गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम अपनी न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको आगे कवर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 12th चैप्टर प्रेज माइट मैडन मी। प्रेज प्रशंसा, मैडन पागल करना। प्रेज माइट मैडन मी, प्रशंसा मुझे पागल कर सकती है। अगर हम किसी की तारीफ करने लगे तो कहते हैं ना, वो ज़्यादा प्राउडी हो गया है, वो उसे ज़्यादा घमंड आ गया। तो इसमें यही कहा गया है, प्रशंसा मुझे पागल कर सकती है। लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। दोज वर द डेज व्हेन इंडियंस वर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड फॉर फ्रीडम। ये उन दिनों की बात है जब भारतीय अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। मैन लाइक महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वर देयर टू लीड द नेशन फॉर टोटल लिबर्टी। उस टाइम कौन कौन लोग थे? महात्मा गांधी थे, आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे राष्ट्र को का नेतृत्व कर रहे थे। देयर वर अदर्स लाइक लोकमान्य तिलक, गोखले, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शाहिद भगत सिंह एंड लाला लाजपत राय। दे वर ऑल वर्किंग विद वन ऑब्जेक्ट, आइदर फ्रीडम फॉर द कंट्री। दे वर ऑल वर्किंग विद, ये सभी का एक ही उद्देश्य था, फ्रीडम फॉर द कंट्री, हमारे देश की आज़ादी। महात्मा गांधी हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द आचार्य। महात्मा गांधी आचार्य की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। द आचार्य टुक गांधी जी फॉर द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। आचार्य जी टुक गांधी जी फॉर द ग्रेट, वो गांधी जी को उस टाइम के ग्रेटेस्ट लीडर समझते थे। वंस गांधी जी रोट अ लेटर टू विनोबा भावे। एक बार गांधी जी ने विनोबा भावे के लिए एक लेटर लिखा। विनोबा भावे रीड द लेटर, उन्होंने वो लेटर पढ़ा एंड इमीडिएटली टोर इट इंटू पीसेस, और शीघ्र ही उसे पीसों में फाड़ दिया। वन ऑफ हिज डिसिप्लिन वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी दिस। ये सब देखकर सभी हैरान हो गए, बिकॉज ही न्यू दैट द आचार्य कैप्ट लेटर्स फ्रॉम गांधी जी विद एटमोस्ट केयर। क्योंकि वो सभी ये जानते थे कि आचार्य जी ने गांधी जी से ये लेटर बहुत ही केयरफुली लिया था। ही ट्रीटेड दीज लेटर एज इनवैल्यूएबल ट्रेजर, और उन्होंने उसके साथ कैसा किया, जिस खजाने की कोई वैल्यू ना हो इस तरह से उसे फाट दिया। द डिसिपल कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। डिसिपल होता है शिष्य। द डिसिपल कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, अब वो शिष्य उसे सहन नहीं कर सका, नॉट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। ही सैड टू विनोबा जी, गुरुदेव व्हाई डिड यू टियर दैट लेटर फ्रॉम गांधी जी। अब उसने पूछा, गुरुदेव आपने गांधी जी के इस लेटर को क्यों फाड़ दिया। विनोबा जी सैड इट कंटेंट सम फॉल्सहुड, इसमें कुछ झूठ था। द डिसिपल बिकेम ऑल द मोर क्यूरियस, अब तो शिष्य को और ज़्यादा जिज्ञासा हो गई बात को जानने के लिए। ही सैड, उसने कहा, बट गुरुदेव यू हैव ऑलवेज बीन टेलिंग दैट गांधी जी नेवर टेल्स अ लाई, लेकिन आपने तो कहा था कि गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते, तो ऐसा कैसे हो सकता है इसमें। विनोबा जी रिप्लाइड, इट इज़ ट्रू दैट गांधी जी नेवर टेल्स अ लाई, ये सही है कि गांधी जी झूठ नहीं बोलते, बट इन दिस लेटर ही हैज़ डिक्लेयर मी ग्रेट बाय शोरिंग प्रेज ऑन मी। इस लेटर में उन्होंने ये घोषणा की है कि मैं महान हूँ, मेरी प्रशंसा की है। वेयर इज एज द फैक्ट इज दैट देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर फार मोर इंटेलिजेंट एंड कैपेबल देन आई। इस लेटर में उन्होंने कहा है कि मैं बहुत महान हूँ और मेरी प्रशंसा की है, जबकि मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और कैपेबल लोग हैं इस वर्ल्ड में। इन दिस सर्कमटेंस दिस लेटर कुड इन्फ्यूज इन मी अ सेंस ऑफ प्राइड विच वुड श्योरली हैव इम्पेंडेड माई प्रोग्रेस। इसलिए इन परिस्थितियों में इस लेटर के थ्रू सेंस ऑफ प्राइड, मुझे गर्व की भावना होती, घमंड आता, विच वुड श्योरली हैव इम्पेंडेड, जो कि मेरी प्रोग्रेस में बाधक होता। दैट्स वाई आई सिंपली टोर द लेटर टू पीसेज लेस्ट इट शुड टर्न माई हैड, इसलिए मैंने इस लेटर को फाड़ दिया। द डिसिपल हैड नो मोर क्वेश्चन टू आस्क, अब उनके शिष्य के पास और कोई क्वेश्चन नहीं था पूछने के लिए। इसलिए कहा गया है प्रशंसा हमें पागल कर सकती है। ये इसके वर्ड मीनिंग है जो आपको करने हैं। देन इसकी आंसर की मैं सेंड करूँगी, आप एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना पेंसिल से, उसके बाद मैं आपको आंसर की भी सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।